हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मज़े में हूँ, अपने अपने काम कर रही हूँ। एक्चुअली दिवाली की सफाई आपने स्टार्ट की है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि हम लोग आज थोड़ी सी साफ़ सफाई करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर ब्रश कर लिया है, फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ सुबह, और उसके बाद जो भी है वो स्टार्ट हो जाते हैं मेरे काम। तो उसके बाद काम करने लग जाऊंगी, मतलब क्लीनिंग वगैरह ये वो करने लग जाऊंगी। और आज थोड़ी सी और क्लीनिंग करनी है एक्स्ट्रा की। कैसा होता है कि मेरे वीडियोस वगैरह रहता है ना, तो इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जल्दी से स्टार्ट करना पड़ता है मुझे दिवाली की क्लीनिंग। इस बार, पिछली बार तो आपने देखा होगा कि दिवाली के दिन तक हम लोग काम कर रहे थे, और उसके बाद तो फिर आप पूछो ही मत। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, कांच की चीज़ें तो मैं ही क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पर वही चल रहा है। आंटी आ गई है, आंटी आंटी का काम कर रही है, मतलब आंटी आंटी के बर्तन क्लीन कर रही है, मैं अपने बर्तन क्लीन कर रही हूँ, तो वही कांच के बर्तन यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। और आज की क्लीनिंग क्या होगी, थोड़ा सा मतलब जहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वही निकालूंगी। थोड़ी सी माही की हेल्प लेने वाली हूँ मैं, क्योंकि ऊपर चढ़ना और वो मेरे से नहीं होता है अच्छे से, मतलब मेरे से नहीं होता है, मीन्स ऐसा भी नहीं है कि इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ, बट वही ना, आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, मतलब चेंज नहीं करनी है, इसे ही वॉश करके लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दूसरी येलो कलर की बेडशीट नहीं है, तो इसी वजह से। और मुझे ना येलो कलर की ही बेडशीट यहाँ पर लगाना अच्छा लगता है, मतलब बेडरूम में, तो वही थीम है मेरी अभी बेडरूम की, तो इसी वजह से अभी दूसरी लेने वाली हूँ मैं येलो कलर की, बट थोड़ी सी प्रिंटेड लूँगी। अभी ये प्लेन है ना, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा प्रिंटेड नहीं, मुझे ज़्यादा प्रिंटेड भी पसंद नहीं है, अभी येलो ही लूँगी, अलग टाइप में लूँगी और फिटेड ही लूँगी, लेकिन क्योंकि फिटेड बेडशीट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। नहीं तो अधिक बेडशीट पे कूदता है ना, तो बेडशीट पे जल्दी से सिलबटे पड़ जाती है, तो इसी वजह से अभी नीचे वाली जो बेडशीट है वो मैं फिटेड बेडशीट ही लेने वाली हूँ। यहाँ पर वो बेडशीट वॉश करने के लिए डाल दी है, थोड़ी देर के बाद सूख जाएगी और लगा दूंगी दोबारा से। यहाँ पर माही मेरे हेल्प कर रही है ये वाला सेक्शन क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा मेस है, आपको क्या है बताओ, मतलब मेरे जो भी पार्सल आते हैं मैं ऐसे ही डाल देती हूँ उसमें। और ये जो आप बोल रहे थे ना कि ये इतना सारा स्टोरेज किस लिए बनाया, तो वो मैं कभी आपको बताऊंगी, क्योंकि स्टोरेज मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए गाइज, और इतने सारे पार्सल आते हैं मेरे और रखने के लिए जगह नहीं होती है, और बाहर रखो तो अच्छा भी नहीं दिखता है, तो इसी वजह से स्टोरेज मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा बनवाया। पहले इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी और सारी चीज़ें आगे ही दिखती थी। आप देखो, अब ये सारे कार्टून्स वगैरह सारे निकल जाएंगे और सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रहेंगे, और प्रोडक्ट अच्छे से लगाने हैं यहाँ पे, मतलब जो वीडियो बन गया है उसके प्रोडक्ट अलग जगह पे रखूँगी, और जो वीडियो बनाने हैं अभी उसके प्रोडक्ट्स अलग जगह पे रखूँगी, इसी वजह से, क्योंकि आप मुझे जल्दी से दिख जाए वो सारी चीज़ें। यहाँ पर ये जो है अभी ये ऊपर जाएगा सारा सामान, और उसके बाद अभी यहाँ पर भी देखो कितना सारा मेस है, मतलब ये मेस इसीलिए कि ये जलाना है सब कुछ। ये यहाँ पर डिब्बे वगैरह डाल दिए हैं मैंने ऐसे ही, और यहाँ पर इनका हो रहा है बैंक का काम, क्योंकि इनका ना थोड़ा सा पेमेंट वाले अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा उसी चक्कर में है, बार बार वो जाना आना चल रहा है इनका बाहर और वो बैंक में। तो यहाँ पर माही जो है वो सब कुछ निकाल रही है यहाँ का सेक्शन, उसको भी बोला मैंने आज आप क्लीन करके दे दो मुझे, क्योंकि जो ऊपर ऊपर का काम है वो मैं कर दूंगी, और आप इतना क्लीन करके दे दो मुझे, बाकी का जो है वो मैं कर लूँगी। अभी स्टोर रूम भी थोड़ी सी क्लीन करनी है, क्योंकि जो भी अभी हाथ में आता है ना वो ऊपर रख देते हैं हम लोग, तो स्टोर रूम का भी अभी पिछले बार ही क्लीन की थी, उस टाइम ही आपके साथ शेयर कर देती तो अच्छा रहता। और आप लोग यार होम टूर मांग रहे हो, देखो कितना मेस है और होम टूर मांग रहे हो आप, और आप बोलते हो कि नहीं क्लीन है क्लीन है दी। हमें लगता है ऊपर से ऐसे दिखता है क्लीन है क्लीन है, बट अंदर से अगर देखा जाए तो वो होता है। देखो यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पर ही रख दी है अभी, क्योंकि कैसा रहता है फोल्ड करो फिर उसके बाद रखने के लिए उसको जगह करो, तो वो टाइम उसमें चला जाता है, और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, मतलब क्या होता है घर के भी काम और ये प्लस यूट्यूब के काम, और यूट्यूब में तो पूरा दिन चला जाता है। यहाँ पर ये हेल्प कर देते हैं वो अलग बात है, बहुत हेल्प होती है इनकी। ये ना इन्होंने पौधे निकाले थे, और जो मैंने वो प्लांटर नहीं है उसमें साइकिल वाला, उसमें रखे थे ये वाले पौधे, तो वो निकाले इन्होंने और उनको खाद वाद डाल के थोड़ा सा पानी वानी डाल के उनको अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा धूप दे रहे हैं, और फिर जाके वो अच्छे से वहाँ पर और रख देंगे। तो ये केयर करते हैं पौधों की, वरना केयर ही नहीं होती मेरे घर पे पौधों की, वैसे ही मेरा काम इतना बढ़ जाता है और उसमें ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल ही नहीं होता है। बच्चों के ऊपर ध्यान दो, घर का मतलब संभालो, उसके बाद यूट्यूब का संभालो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से ये जब थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं ना तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, थोड़ी सी क्या बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे
अभी ये पूरा, ये तो गार्डन का तो काम मुझे आता ही नहीं है, ये तो छोड़ ही दो आप, ये मेरे बस का काम नहीं है। गार्डन का तो यही ख्याल रखते हैं, गार्डन का पूरा मिट्टी डालना, खाद डालना, अच्छे से पौधों को देखना और उनको पानी देना, सब कुछ ये करते हैं। वरना ये जब ड्यूटी पे रहते हैं ना, तो माही को बता देते हैं, माही को पता है कितना पानी देना है, कितना करना है, तो वो थोड़ा सा पापा की हेल्प कर देती है, वरना बाकी की चीज़ें तो मेरे से नहीं हो पाती है। तो ये कर रहे हैं ये चीज़ें, और अभी आज मुझे जाना है बाहर भी, तो वो तो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप बाद में देख ही लेना। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, काफ़ी देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक ना क्लीनिंग करने में हेल्प की माही को, उसके बाद फिर क्या किया, हाँ वीडियो एडिट किया एक, और उसके बाद अभी आई हूँ किचन में। तो किचन में आज सोच रही हूँ अंडा बुर्जी बनाने का, तो यहाँ पर एक ये लेके आए हैं, तो अभी एक बुर्जी बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। सिंपल सी एक बुर्जी होती है यार, क्या रेसिपी शेयर करना। और हाँ, कहीं पर जाना भी है मुझे, अभी पता नहीं, इनसे पूछती हूँ का वो हाँ बोलेंगे तो वहाँ पर जाती हूँ, और नहीं बोलेंगे तो फिर घर पे ही रुकते हैं। तो चलिए, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, यहाँ पर बना रही हूँ मैं एक भुर्जी, और ये काट रहा है थोड़ा सा धनिया पत्ता और सैलेड, क्योंकि इनको धनिया पत्ता तो आपको बताया था मैंने बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं जितना डालती हूँ वो उनको कम पड़ता है, तो इसी वजह से वो काट के दे देते हैं मुझे धनिया पत्ता वगैरह। और यहाँ पर मेरा बनाना चल रहा है एक भुर्जी, तो एक भुर्जी बना लूँगी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे साथ में मिलके, क्योंकि बाहर जाना है। तो फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वैसे निकिता का भी कॉल आया है, वो भी आने वाली है, तो थोड़ी देर के बाद उसके साथ भी बाहर जाना है पहले। और निकिता आ गई है, निकिता के साथ मुझे बाहर जाना है कहीं, उधर से आने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट इनके साथ, तो पहले निकिता के साथ जाती हूँ और उसके बाद फिर मार्केट जाना है। तो वॉच पहन लेती हूँ पहले, निकिता की वॉच देख के मुझे याद आया। और हाँ निकिता, मैंने नई वॉच ली है, अभी देखी नहीं होगी तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, और वो वॉच पहन भी लेती हूँ। और हाँ, ये वॉच मुझे किसी ने गिफ्ट वगैरह नहीं की है, मतलब अभी तक इन्होंने गिफ्ट की थी वॉच, तो ये खुद को गिफ्ट की है, मतलब सेल्फ गिफ्टेड है ये वॉच। कहाँ पर रखी माही, मेरी न्यू वॉच कहाँ पर रखी? इनके वार्डरोब में रखी थी मैंने, आपके वार्डरोब में? मेरे वार्डरोब में, पहली बार मेरे वार्डरोब में रखी। माही का काम है ये स्टैंड। गाइस, ये है मेरी न्यू वॉच, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जो टाइटन की है, एक्चुअली आजकल मैं टाइटन की ही वॉचेस ले रही हूँ सारी, तो अभी तक इसका टैग वगैरह भी नहीं निकाला है, अभी टैग निकालूंगी और इसे पहनूंगी, और बहुत ही सुंदर सी मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ। देखो अच्छे ना, देखो सेम सेम हो गई अभी निकिता की और मेरी वॉच, बट निकिता की अलग है, मेरी अलग है, मेरी टाइटन की है, निकिता की हाँ DW की है। तो चलिए अभी ये वॉच पहन ली। और हाँ गाइस, इसका अगर आप पूछोगे अभी प्राइस क्या है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो इसकी प्राइस क्या है। और हाँ, अगर आपको परचेज भी करना है ना ये वाली वॉच, और अभी 3 अक्टूबर से अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट होने वाला है, तो उस सेल का आप फायदा उठा सकते हो, और उसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में ये वाली वॉच मिल जाएगी। गाइज मैं देखो, गाइज यहाँ पर 4 स्टोन दिए हुए है, टाइटन का लोगो है, और बहुत ही सुंदर लग रही है वॉच। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लोग कहाँ जा रहे हो? अद्विक, अद्विक ऐसे नहीं करते, जाओ आप लोग घूम के आओ, हम लोग घूम के आते। चलती हूँ। यहाँ का काम हो चुका है हमारा, बस अभी इनको कॉल किया है, ये आने वाला है, इनके साथ जाएंगे बाहर, हम लोग ही जाने वाले हैं, बच्चे तो वहाँ पर रहने वाले हैं घर पर, बस हम दोनों जाके काम करके जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट का काम है, मतलब थोड़ा सा कुछ लेना है मुझे, वो तो आपको बाद में ही दिखाऊंगी मैं क्या लेना है। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद ये आ जाएंगे, तब निकल जाऊंगी यहाँ से लेने। गाइस तो चलिए अभी जाने वाली हूँ मैं, फुटमेट कुछ ख़राब हो गया है, वही देखने जा रही थी। एक्चुअली जो रबर वाला फुटमेट है ना मेरा, वही थोड़ा सा ख़राब हो गया है आगे का, तो वो लेके आते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिख रहा है वहाँ पे, और अजीब सा वहाँ पर पैर भी पोछना नहीं हो रहा है उससे, वो ले लेते हैं, और कुछ फुटमेट दिख जाएंगे वो भी ले लेंगे। तो चलिए अभी, और बहुत जगमग लग रही है, काफ़ी दिनों के बाद निकली हूँ ना, इसी वजह से वैसा लग रहा है। इतनी डेली होती होगी ये, त्योहार का टाइम चालू हो गया। हाँ रेड
रेड नहीं चाहिए भैया, ग्रीन ही चाहिए, यही वाला ये वाले में, ये वाले में। हाँ ग्रीन चांगला दिसल का है। मोठा केवड़ा पड़ते रबर वाला गए हम लोग घर पे। यार थक जाती हूँ मैं बाहर जाती हूँ तो, बाल देखो कैसे हो गया टू व्हीलर पे। तो चलिए गाइस हवा की वजह से मिलती हूँ। हाँ पापा को क्या देखना, पापा को देखे हुए हैं उन्होंने। और हाँ जो भी हमने परचेस किया है ना वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी दिखाने की ताकत नहीं है मेरी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चलिए गाइस इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और हाँ इस वॉच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।